कुछ देर पहले यहां पर हुआ टॉस, टॉस जीता पुनेरी। पल्टन ने पहली रेड होगी दबंग दिल्ली से। आएंगे कप्तान आशु मलिक जो करेगा प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई। दबंग दिल्ली की ढाल आशु मलिक बन के आए जब से नवीन को चोट लगी, और क्या खेले हैं। ऐसा मौका मिला इस खिलाड़ी को कि नंबर वन रेडर बने, यहां डुबकी लगाई, हाथ निकाला और पहली ही रेड में आशु मलिक ने कमाल कर दिया। क्या ये सुपर रेड है, जोगिंदर नरवाल अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं। ये आशु मलिक की माता जी हैं जो आज आशु को यहाँ देखने के लिए आई हैं। ये नजारा देखना कितना सुकून से भरा होता है। आशु ने आते ही साथ शादलू पर प्रहार किया। 2 पॉइंट दबंग दिल्ली। दबंग दिल्ली ने किस बेहतरीन अंदाज में कमबैक किया। दूसरा पेस दबंग दिल्ली का स्ट्रॉन्ग है। योगेश के होल्ड, नीतू की डुबकियां, ये सब चीजें जोड़ दीजिए और फिर दबंग दिल्ली को एक साथ देखिए। इसी के साथ पुनेरी पल्टन ऑल आउट, लेकिन कबड्डी के इस खेल में ऑल इन होंगे। बार बार मौका मिलेगा मगर जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। बोले पंगा मिडलाइन की तरफ वो दिशा बदली असलम इनामदार ने। और प्रीशो में हमने बात भी की थी ऋषांत की, किस तरीके से असलम और मोहित कवर्स को टारगेट करेंगे। विक्रांत और मोहित पर जिम्मेदारी होगी आज उनसे बचने की, उनका शिकार करने की। फिलहाल आशु मलिक इस मुकाबले में 5 रेड पॉइंट, एक तरह से लग रहा है थोड़ा थोड़ा अवॉइड भी कर रहे हैं शादलू को। एक और प्रयास और यहां ओहो, शिकार करने आए थे लेकिन खुद ही शिकार हो गए। बिल्कुल 1 पॉइंट की सिर्फ लीड है। इतना एडवांस डू ऑर डाई में क्यों गए गौरव खत्री। रेड से गौरव खत्री को जो नसीहत दी गई थी उनके दिमाग से साफ हो गई। ये दबाव है, ये प्रेशर है। संजय दास ने बोनस का कहा था, पॉइंट का नहीं कहा था, इस वजह से शायद ये पॉइंट दे दिया गौरव खत्री ने। बहुत बढ़िया बात कही आपने ऋषांक, अच्छा ही समय पे आया। अब असली इनामदार पर जिम्मेदारी है पॉइंट लाना होगा। टाई भी करने में अगर कामयाब हुए तो क्वालिफाई कर जाएंगे। क्या असलम सेल्फ आउट हुए। कितनी देर तक सेल्फ करते हैं और यहां कहानी क्या हुई। रेडर आउट 1 पॉइंट। एक गलती ने पूरे मुकाबले को पलट दिया। 30-30 की बराबरी और इसके साथ ही एक और मुकाबला टाई। सीजन 10 में एक के बाद एक हमने कई टाइज देखे हैं।